नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया को लेकर। देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका पैसा सहारा इंडिया के पास फंसा हुआ है। आपको बता दें कि लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए जमा करते हैं ताकि उनका भविष्य अच्छा हो सके। ऐसे में अब सहारा ने यह भी बताया है कि निवेशकों का पैसा कहाँ है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सदन में निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की कोशिश चल रही थी। सदन में बोलते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह भी बताया कि सेबी को 81.70 करोड़ रुपए के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट या फिर पासबुक से जुड़े 19,644 आवेदन मिले हैं। इस दौरान सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि शेष आवेदन का SIRCEL और SHICL द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में रिकॉर्ड मिल ही नहीं पा रहा है। सहारा कंपनी में जिन लोगों के निवेश किया है उन्हें लग रहा है कि उनका पैसा सहारा के पास है और वे दे नहीं रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जब सहारा पर फ्रॉड का मामला सामने आया तो उसके बाद सहारा का पैसा सेबी के पास चला गया। ऐसे में अब सहारा निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपये रखने का आरोप लगाया है। सहारा की तरफ से बताया गया है कि वह भी सेबी से पीड़ित है। उन्होंने यह भी कहा कि हमसे तो दौड़ने के लिए कहा गया है लेकिन हमें बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया है। सहारा ने एक लेटर जारी कर सेबी को कहा है कि सेबी के पास सहारा के 25,000 करोड़ रुपए रखे हैं और विगत 9 वर्षों में सेबी ने निवेशकों को लगभग 125 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। यह न तो तर्कसंगत है और न ही नियोजित है। सेबी को निवेशकों के हित में कार्य करना चाहिए। सेबी या तो निवेशकों को भुगतान शुरू करे या फिर उस धन को सहारा को वापस करे ताकि हम अपने निवेशकों को भुगतान कर सके। यह विडंबना ही है कि एक ओर जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सहारा ने 25,000 करोड़ रुपये में ब्याज सहारा सेबी खाते में जमा कराए हैं और यह धन पिछले 9 वर्षों से सेबी के पास व्यर्थ पड़ा है, वहीं दूसरी ओर हम पर लगे प्रतिबंध के कारण अपनी संपत्ति को बेचकर या फिर गिरवी रखकर सहारा निवेशकों को सीधे भुगतान नहीं कर सकता है। जब संपत्तियां प्रतिबंधित हो और उपलब्ध धन सहारा सेबी खाते में जमा हो तो सहारा अपने निवेशकों को भुगतान करे तो कैसे करे। जब सख्त बेड़ियाँ पड़ी हो तो कैसे कोई दौड़ सकता है। इन सब के बावजूद सहारा भुगतान तो कर रहा है किंतु भुगतान में विलंब हो रहा है। सहारा अपने निवेशकों को पिछले 44 वर्षों में भली भांति सेवाएं दे रहा है और अतीत में कभी भी कोई मुद्दा नहीं उठा। सहारा और उसके निवेशक वर्तमान परिस्थितियों के शिकार हैं, जहाँ एक ओर सहारा के 25,000 करोड़ रुपये सेबी ने निवेशकों के हित के नाम पर अपने पास व्यर्थ में रखे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सेबी ने मार्च 2018 में घोषणा कर दी थी कि वह जुलाई 2018 के बाद से किसी भी निवेशक को भुगतान नहीं करेगा। सेबी का यह कृत्य निहायत और गैर जिम्मेदाराना है और निवेशकों के हितों के विरुद्ध है। तो इस तरह से कह लें कि सेबी की तरफ सेबी को लेकर जो है सहारा का ये लेटर जारी किया गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें जो है पैसे वापस कर दिए जाए। इतना ही नहीं, अब जो है इस मामले में आगे क्या बढ़ोतरी हुई इसमें एक तरह से कह लें कि सेबी की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है। सहारा भले ही सेबी पर आरोप लगा रही है कि वह पैसा नहीं लौटा रही है लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सेबी ने भी जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दस्तावेजों और रिकॉर्ड में निवेशकों का डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा है। साथ ही यह भी बताया गया है कि 4 अगस्त 2021 को सेबी की सालाना रिपोर्ट में निवेशकों के 129 करोड़ रुपए लौटाने की बात कही गई है। उस समय नियामक की तरफ से यह भी बताया गया कि सेबी के खाते में 31 मार्च 2021 तक जमा कराई गई रकम ब्याज समेत करीब 23,191 करोड़ रुपये है। इधर सेबी की तरफ से जारी बयान में यह भी बताया गया है कि जुलाई 2018 के बाद से सेबी की तरफ से किसी भी तरह के दावे का विचार नहीं किया गया है। अगर हम इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझें तो निवेशकों ने अपना पैसा सहारा कंपनी के पास जमा किया था लेकिन कंपनी फ्रॉड के कारण यह पैसा सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। अब निवेशक सहारा से पैसा मांग रहे हैं तो सहारा सेबी से पैसे की मांग कर रहा है। इधर सेबी कह रहा है कि हम कागजों के मिलान के बाद ही पैसे रिलीज करेंगे। इस पूरे मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।
धन्यवाद।